Assalamualaikum. Welcome to another episode of Bake with an Expert. मैं हूं आपका शेफ साद भट्ट. उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है बहुत झटपट बनने वाली, जो कि एक बहुत ही एक बेसिक एंड आई कैन से वेरिएशन डिश है जो है बेक्ड. इट्स बेसिकली यू नो बेक्ड एंड अ वर्जन ऑफ कुकिंग इज़ वेल. आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं. जो मेरी डिश है, दो डिशेस मैं लेकर आया हूँ, एक है डिज़र्ट एंड एक सेवरी. जो डिज़र्ट में हम बनाएंगे वो है चीज़ केक. क्लासिक चीज़ केक बनाएंगे हम लोग. उसके मैं आपको अज्जा बताता चलूँ, यहाँ पर जो हमारे पास हैं क्रीम चीज़. चीज़ केक बहुत सारे स्टाइल्स के होते हैं एंड आई कैन से लाइक यू नो अगेन वेरिएशन में आते हैं बहुत तरीके के. एंड यू नो लाइक हम बना रहे हैं बिल्कुल क्लासिक, बिल्कुल ही एक क्लासिक और यू नो सिंपल चीज़ केक. आप उसमें कॉम्पोट डाल सकते हैं, चॉकलेट डाल सकते हैं, गनाश की टॉपिंग डाल सकते हैं, अप टू यू एज़ वेल. मैं आपको बनाऊंगा बिल्कुल प्लेन एंड बेसिक चीज़ केक. न्यूयॉर्क चीज़ केक होता है और एक प्लेन चीज़ केक होता है. न्यूयॉर्क में आपको एक प्रॉपर तरीके से बैटर बनता है, उसका आपको प्रॉपर बेक करना पड़ता है. यहाँ पर मैं बेक करूँगा अपने क्रस्ट को, जो एक क्रम्बल होगा बिस्किट का, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नटी फ्लेवर में होगा. एंड उसको मैं बेक करूँगा. प्री हीट कर दिया मैंने ओवन 180 डिग्रीज पे फॉर 5 मिनट्स. अच्छा सा एक गोल्डन कलर देंगे हम अपने बेस को. उसके ऊपर बैटर बनाएंगे क्रीम का, क्रीम चीज़ का. जेलेटिन डालेंगे ताकि प्रॉपर जेलेटिनाइज हो जाए, प्रॉपर सेट हो जाए. इसको फ्रीज कर देंगे. ऑलराइट, जो दूसरी रेसिपी है वो है मेरी आज है बेक्ड मैक एंड चीज़. बेक्ड मैक एंड चीज़ इज़ लाइक द मोस्ट ईजीएस्ट एंड द मोस्ट आई कैन से यमीएस्ट रेसिपी एवर वन कैन एवर मेक. अब उसमें करना क्या है, आपने कोई भी तरीके की आप पास्ता ले लो. यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एल्बो मैक्रोनी. उसके बाद मैंने लिए हुए यहाँ पर ब्रेड क्रम्स. अब जो यहाँ पर हम लोगों ने मैक्रोनी ली हुई है वो है एक पैक पूरी, मैंने बॉईल कर ली हुई है एल डेंटे. थोड़ा सा उसका कचास जो रहती है ताकि हम बेक करेंगे और जब पकाएंगे ना ताकि प्रॉपर तरीके से फुली कुक्ड हो जाए, मुशी ना हो. थोड़ा सा पार बॉयल इसको करें. एंड उसके बाद यहाँ पर हैं ब्रेड क्रम्स. ब्रेड क्रम्स मैं लूँगा इसलिए क्योंकि एक अच्छी सी लेयर लगानी है ऊपर एंड उसके ऊपर एक मज़ेदार सा टोस्टी इफेक्ट हम डालेंगे बेकिंग के थ्रू. अवन में डालेंगे, अच्छा सा चीज़ डालेंगे, मोज़रेला चेडर का मिक्सचर होगा, थोड़ी सी पार्मेजान चीज़ भी डालेंगे, पार्सली डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे. बहुत ही मज़ेदार सी एक ईजी डिश बन जाएगी. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट रेसिपी जो है मेरी चीज़ केक. ऑलराइट, सो चीज़ केक के लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ जो मेरे पास क्रीम चीज़ है 200 ग्राम्स है. अब आप जिस तरीके से लेना चाहें, जिस तरीके के आप बना सकते हैं चीज़ केक. मेरे पास यहाँ पर है मोल्ड्स, छोटा बनाना है, इससे और थोड़ा बड़ा बनाना है. एंड वन मोर थिंग, अगर आपने और फुल साइज का अगर बनाना है तो आप ये बना सकते हैं. अपनी वेरिएशन लगाएं, ये करना है. इसके यहाँ पर आपको मार्केट में ईजिली बेसिस भी अवेलेबल होते हैं. आप छोटे बेस के लगा के इसको क्रस्ट बनाएं, बेक करें पहले क्रस्ट को, उसके बाद फिर आप इसको क्रस्ट लगाएं. एंड बहुत ही ईजीली आप इसको बैटर पोर करें, फ्रीज करें ओवरनाइट एंड इसके बाद फिर आप इसको खाएं. मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ. सबसे पहले एक बोल लेता हूँ, यहाँ पर डाइजेस्टिव बिस्किट्स मेरे पास हैं, बोल में ले लूँ. बोल के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं अपने ये पैन को साइड पर रख दूँ. डाइजेस्टिव बिस्किट्स क्रश्ड हैं प्रॉपर तरीके से. ऑलराइट, क्रश्ड यहाँ पर बिस्किट्स हैं मेरे. उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक स्पून ले लेता हूँ, स्पून के साथ जस्ट मेक श्योर कि आपके प्रॉपर तरीके से क्रम्बल हुए हुए हैं. यहाँ पर मेरे पास है मेल्टेड बटर. अब मेल्टेड बटर ही लाजमी लेना है क्योंकि प्रॉपर सॉफ्टन भी ले लेंगे ना तो थोड़े गुठलियाँ बन जाएंगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर मेल्टेड बटर है. 2, 3, 4 अच्छे तरीके से अपने हिसाब से आप देख लें कितना आपको ज़रूरत है. एंड दैट्स इट. अच्छा सा आपने क्रस्ट बनाना है, प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स कर लें. ज़्यादा बटर भी ना डालें, इसलिए होगा ये कि आपका जो क्रम है ना वो बिल्कुल हार्ड हो जाएगा. अगर आपके छोटे छोटे क्रस्ट आ रहे हैं दैट्स अब टोटली फाइन. इसको प्रॉपर तरीके से इसको मैश करें. रोलिंग पिन लें अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है, दैट्स टोटली फाइन. आप जिप लॉक बैग्स आते हैं, जिप लॉक बैग में बिस्किट डालें, उसको आप बेलन से इसको थोड़ा सा कूटें, प्रॉपर तरीके से क्रम्स बन जाएंगे.
ये हमारा हो गया है, जो क्रस्ट है वो तैयार। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि मैं अब करूँगा सबसे पहले थोड़ा सा, एक आपको बताता चलूँ, सॉस पैन में दूंगा मैं थोड़ा सा पानी, ज़्यादा नहीं लेना, बहुत ही थोड़ा सा, क्योंकि हमने जेलेटिन को अपना एक्टिवेट करना है। बिल्कुल तेज़ भी ना हो। टू टू थ्री टेबलस्पून आपने लेना है पानी, थोड़ा से इसको गर्म करें। मेरे पास यहाँ पर है बोल, थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ गरम, नीम गरम पानी चाहिए, ज़्यादा गरम ना हो, फ्लेम कर दिया बंद। यहाँ पर सॉस पैन मैंने रख दिया है, वैसे सारे हमारे जितने भी यहाँ पर कुकवेयर है सारा, विच इज़ एक्चुअली सो हैंडी, सो गुड, एंड इट्स फ्रॉम शेफ्स कुकवेयर इज़ वेल। आप ऑनलाइन इसको परचेज कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, विच इज़ वेरी हैंडी। यहाँ पर मेरे पास है जेलेटिन, जेलेटिन में डालूंगा नीम गर्म पानी में, अपनी उंगली से आप टच कर लें कि ज़्यादा गर्म ना हो पानी, जिस मेक श्योर कि ज़्यादा उबलता हुआ पानी ना हो, नीम गर्म पानी हो। यहाँ पर जेलेटिन मेरे पास 2 टेबलस्पून है, मैं डाल दूंगा इसके अंदर। अब आपने करना क्या, इसको प्रॉपर तरीके से इसको करना है मिक्स। अच्छा, फोर्क के साथ नहीं, मेक श्योर कि आप स्पून के साथ नहीं, फोर्क ले लें, प्रॉपर तरीके से इसको मिक्स करना है ताकि इसके लम्स जो हैं वो ना बने। इसको कर दिया है मैंने मिक्स, कर दिया है इसको साइड पे। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा क्रस्ट है इसको मैं यहाँ पर, मेरे पास यहाँ पर अगेन आपने जितना मर्ज़ी जिस तरीके से आपने बनाने, मिनी चीज़ केक बनाने, आप ये मोल्ड्स ले लें। मेरे पास यहाँ पर ये पैन है जो इजीली निकल सकता है ताकि आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ईज़िली आप निकाल देंगे ताकि आपका जो फ्रीज हो जाए ओवर नाइट, जिस मेक श्योर के आपका जो चीज़ केक का बैटर है वो फ्रीज हो प्रॉपर ओवरनाइट। ये मैं डाल दूंगा इसके अंदर जो क्रस्ट है मेरा। थोड़ा सा क्लियर अप कर दूं मैं। अच्छा, बहुत जेंटली आप इसको बेस बनाएंगे, हम अच्छी सी एक बिस्किट की लेयर जो हम लगा रहे हैं, जिस मेक श्योर के अच्छे तरीके से ना ये बिल्कुल बाइंड हो जाए। एंड आप अपने हाथ भी यूज़ कर सकते हो, जिस मेक श्योर के आप ग्लव्स पहन लें, क्योंकि फूड हाइजीन का भी हमने बहुत ख्याल रखना है। प्रॉपर तरीके से इसको आप करेंगे। ये हमारी क्रस्ट बन गई है, मैं इसको डाल रहा हूँ अवन के अंदर फॉर 2 मिनट्स। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। ऑलराइट, वेलकम बैक। हमारे टार्ट का बेस है अवन के अंदर, हम उसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसको ज़्यादा बेक नहीं करना, बाइंड के लिए हमने अवन में रखा हुआ है उसको। या बिल्कुल अच्छे तरीके से एक क्रिस्प कलर आ चुका है, हमें यही चाहिए था। अब मैं क्या करूँगा इसको, यहाँ पर एक कूलिंग रैक ले लेता हूँ। कूलिंग रैक में मैं इसको थोड़ा ठंडा होने रख दूँ ताकि फिर हम अपनी जो इसका जो बैटर है उसके लिए हम आगे प्रोसेस पे जाएं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक बोल, बोल के अंदर मैं क्या करूँगा, डालूँगा क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ आपने लेनी है 200 ग्राम्स, बट डिपेंडिंग ऑन योर साइज़ ऑफ दी यू नो दी चीज़ केक, आपने जितना उसको छोटा लेना है, छोटा बनाना है, तो बैटर आप उसी हिसाब से बनाएं, वेस्ट ना करें किसी चीज़ को। ये क्रीम चीज़ ले ली है मैंने, क्रीम चीज़ के बाद क्या करना है। अच्छा, वन मोर थिंग, जो जेलेटिन है वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा, उसको आप ऐसा ऐसा मिलाते रहें, जस्ट डोंट वरी, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद ही फिर हम बैटर में डालेंगे, उससे पहले हमने नहीं डालना। मैं निकाल लेता हूँ अपनी क्रीम, जो व्हिप क्रीम है। अब व्हिप क्रीम भी अगेन आपने अपने हिसाब से लेनी है, जितना आप बना रहे हैं अपना जो आपका चीज़ केक है। अब यहाँ पर मेरे पास जो व्हिप क्रीम है, मैं एक मिनट, इसी के साथ आपने इसको मिक्स करना है।
मुझे और ज़रूरत पड़ेगी वैसे इसकी, मैं अपने हिसाब से उसको देखता रहूँगा कि किस किस हिसाब से आपने इसको बैटर की कंसिस्टेंसी करनी है, जिस मेक श्योर कि आपकी जो क्रीम चीज़ है ना वो अच्छी क्वालिटी की हो। मैं यहाँ पर लूँगा हैंड बीटर, यहाँ करूँगा इसको थोड़ा सा बीट, अच्छे तरीके से इसकी सॉफ्ट पीक्स आ जाएं। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर जेलेटिन ताकि वो जेलेटिनाइज प्रोसेस का शुरू हो जाए, क्योंकि जब इसको फ्रीज करेंगे ताकि एक अच्छी फॉर्म साइड जो बैटर है वो बनना शुरू हो जाए, एक अच्छी सी शेप में आ जाए। ये थोड़ी सी इनकी स्पीड बढ़ा देंगे, अच्छे तरीके से सॉफ्ट इसकी जो पीक्स हैं वो आ जाएं। वैसी जो आपकी हेवी क्रीम होती है वो इजीली विप हो जाती है। इसको एक और भी मैं आपको हैक देता रहूं कि अगर आपने क्रीम को विप करना है, लोगों की क्या होता है कि क्रीम जो है ना वो विप नहीं होती प्रॉपर तरीके से। अब आपने करना ये है कि इसको ओवरनाइट फ्रीज करने रख दें, उसके बाद निकालें, उसको फौरन विप करें। अगेन हम इसको विप करेंगे एंड मैं इसके अंदर डालूंगा वनीला एसेंस इस टाइम पे। आप वनीला एसेंस डाल सकते हैं, वनीला पॉड डाल सकते हैं, वनीला बीन पेस्ट आते हैं, बहुत अप टू यू। 1 tablespoon ऑफ मैंने डाला है इसके अंदर वनीला एसेंस। मुझे वनीला का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो उसकी जो फ्रेग्रेंस है मुझे पसंद है, वरना आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं एज रिक्वायर्ड। आप इसको 1/2 teaspoon डाल दें, 1 tablespoon डाल दें, बट ज़्यादा ना एम्पावरिंग आए क्योंकि ज़्यादा भी चीज़ अच्छी नहीं होती। अच्छा, अब इस टाइम पे आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे जो पीक्स है वो प्रॉपर तरीके से आ चुकी है। इसको मैं अभी और करूँगा बीट, लेकिन यहाँ पर मैं लेकर आ जाता अपना जेलेटिन। अब जो मेरा जेलेटिन है, देखें आप देख सकते हैं, इसको प्रॉपर तरीके से मैं इसको और थोड़ा मिक्स करूँगा ताकि इसके लम्स हैं वो हट जाएं। अब मैं इसके अंदर सारा जेलेटिन जो है वो ऐड कर देता हूँ। अब मैं अगेन इसको बीट करूँगा, हाई स्पीड पर, ताकि प्रॉपर तरीके से बाइंड हो जाए क्रीम चीज़ जो आपकी विपी विप क्रीम है वो। अब आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से जब ये मैं इसको बीट कर रहा हूँ ना, तो इसके स्टिफ पीक्स बनना शुरू हो गई हैं। बस इसको इस टाइम पे मैं हटा दूंगा, इसको हटा के इसको मैं साइड पे रख देता हूँ एंड विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला इसकी जो साइड्स हैं उसको स्क्रेप ऑफ कर लूँ। जो बाकी चीज़ें इसको क्लियर आउट कर देते हैं, हमें ऑब्वियसली क्रीम की अभी ज़रूरत नहीं है एज सच। आप इसको रख सकते हैं, फ्रीज कर लें, अगेन इसको पाइपिंग बैग में डाल लें ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीके से इसकी डेकोरेशन आप कर सकें। पाइपिंग बैग नहीं है तो स्कूप के थ्रू आप यू नो जो आइसक्रीम स्कूप होता है उसके थ्रू आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी है तो मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है एंड ऑफ द शो, ताकि प्रॉपर तरीके से बता सकूँ आपने क्रीम को क्या करना है दोनों स्पून की मदद से। वो भी आपको आई जस्ट लेट यू नो, आई गाइड यू प्रॉपर कि किस तरीके से आप घर में ईजिली जो बाहर के बेकरीज होती थी महंगी महंगी जो बना के दे रहे होते हैं आदमों खाने और डिज़र्ट्स, ताकि आप ईजिली घर पर बना सकें। ये हो गया है हमारा बैटर रेडी। इस बैटर को मैं डाल रहा हूँ, ये हो गया हमारा ठंडा। अब मैं बैटर को डाल दूंगा इसके अंदर बेस के अंदर, प्रॉपर तरीके से इसको लाइन करेंगे। मैं ले लेता हूँ यहाँ पर स्पैचुला
इसको इवन लेयर में करेंगे। कोई बात नहीं, अगर बबल्स आ रहे हैं दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि आपने इसको फ्रीज करना है। जब आपका फ्रीज हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरीके की विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला उसको भी आप प्रॉपर स्क्रेप आउट करके अच्छे तरीके से इवन लेयर लगा सकते हैं। ये अच्छी लेयर आ गई है एंड मैं इसको अब डाल दूंगा फ्रीजर के अंदर, ओवरनाइट इसको करूंगा फ्रीज। अब रात भर आप इसको भूल जाएं। चलते हैं हम अगली रेसिपी की तरफ, लेकिन आप लो लीजिए एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। हमारा बेक्ड जो चीज केक था वो हमने डाल दिया फ्रीजर के अंदर। अब आपने क्या करना है, उसको फ्रीज करना है ओवरनाइट। ओवरनाइट मतलब ओवरनाइट आप इसको भूल जाएं फ्रीजर में डाल के। इसको आपने चेक नहीं करना, उसके मोल्ड का हाथ नहीं लगाना, प्रॉपर तरीके से फ्रीज हो जाए फिर कल सुबह नेक्स्ट डे आपने उसको मोल्ड से निकालना है। मैं आपको प्रॉपर तरीके से प्रोसेस सारा दिखाऊंगा एंड चलते हैं हम दूसरी रेसिपी की तरफ जो हमारी है आज, बेक मैक एंड चीज़। बेक मैक एंड चीज़ के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं आपको बता दूँ। मैक्रोनी अ होल वन पैक डिपेंडिंग ऑन यू, आपको कोई भी मैक्रोनी पसंद है, कोई भी पास्ता पसंद है आप उसको ऐड कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स अच्छे से उसको टोस्ट करने के लिए, अच्छा से एक क्रिस्प लेयर देने के लिए। मैदा हम ग्रेवी जो बनाएंगे उसमें थोड़ा सा, अगर हार्ड की ज़रूरत हुई हमें हार्डनिंग की, जो कि होगी नहीं, ऑप्शनल है, डाल दें डाल दें अगर आपकी रनी जा रही है पेस्ट। क्रीम चीज़ बोथ मोज़रेला एंड चेडर 250 ग्राम्स। क्रीम आपने लेनी है 1/3 कप और हाफ कप ले लें अपनी मर्ज़ी से कितना क्रीमी आपको ये चीज़ चाहिए जो आपकी ग्रेवी है। आपने चाहिए बटर, बटर है यहाँ पर, यहाँ पर मेरे पास है चिकन पाउडर, चिकन पाउडर मैं डालूँगा थोड़ा सा पिंच। यहाँ पर मेरे पास है मिक्स हर्ब्स, ये आप ले लें, ऑरेगनो ले लें, गार्लिक क्लोव्स। अब है यहाँ पर कलर, ऑप्शनल है, मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि थोड़ा ऑरेंजी कलर आए ताकि मैक एंड चीज़ जो होता है ना इटसेल्फ, क्योंकि उसके अंदर आती है शार्प चेडर। अब आपने चीज़ की भी अपनी वेरिएशन डालनी है, क्योंकि हम लोग को ऑब्वियसली शार्प चेडर कभी कभी मिलती नहीं है, क्योंकि ऑरेंज कलर की जो होती है प्रॉपर शार्प जो होती है। चीज़ के स्लाइसेस अवेलेबल हैं वो ले लें, मेरे पास यहाँ पर हर तरीके की चीज़ मौजूद है, चेडर है, मोज़रेला एंड स्लाइसेस हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पर पैन ले लिया है, पैन को मैं हल्का सा बटर डालूँगा, स्पून ले लेते हैं, 3 tablespoons ऑफ बटर। आपने बटर ले लिया है, इसको अच्छे से होने दें। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ गार्लिक, गार्लिक को आप चॉप कर लें, 1 क्लोव 2 क्लोव अपने हिसाब से। फ्लेम को हल्का ही रखें ताकि आपका बटर जो है वो बर्न ना हो जाए, क्योंकि ये बड़ी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ये बड़ी टेक्निकल होती हैं। अगर आपका जो टेस्ट है जो लोग बोलते हैं ना ख़राब हो जाता है, यार वैसा नहीं बना, प्रॉपर तरीके से आप उसको फॉलो करें और जब भी आप किचन में आएँ सारी अपनी वरीज़ को भूल जाएँ। जल्दी जल्दी में काम हमेशा ख़राब होता है। तो आपने क्या करना है, ये चॉप्ड गार्लिक है ये मैंने डाल दिया इसके अंदर, सॉटे करूँगा मैं इसको थोड़ा सा। अच्छे तरीके से सॉटे हो जाइए। इसको जलाना नहीं है गार्लिक को, अच्छा से ट्रांसलूसेंट सा कलर आ जाए उसके बाद हम बाकी अपनी चीजें ऐड करेंगे। हमने बनानी है एक्चुअल जो चीज सॉस होती है वो हम बना रहे हैं बेक मैक एंड चीज के लिए। अब देर आर सो मैनी रेसिपीज़ ऑनलाइन एज वेल जो तरह तरह की होती हैं, बट ऑब्वियसली मैं ये जो बना रहा हूँ अपने स्टाइल में बना रहा हूँ एंड आई जस्ट होप आप इसको ट्राई करें अपने घर पर भी एंड मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा सारी रेसिपीज़ का। चीज़ केक का जो कि बहुत ईजी है, बैटर बनाएँ, क्रस्ट बनाएँ,
फ्रीज कर लें। ये हो गया है, इसको थोड़े से फ्लेम में थोड़ा सा तेज कर देता हूँ। उसके बाद मैं डालूंगा इसके अंदर क्रीम चीज, जो चीज है, क्रीम डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे हमारी जो चीज़ है। अब अगेन हमारे पास बहुत तरह तरह की चीज़ हैं, मैं इसमें चेडर डाल देता हूँ। चेडर से होता है कि ज़्यादा आपका स्ट्रेन्स नहीं आते, जो इलास्टिसिटी होती है ना, जो आप पूरा चीज़ पिज़्ज़ा खाते हैं तो बिल्कुल एक वो एक स्ट्रिंग्स जो आती हैं वो सबसे हम एंड में डालेंगे, ताकि अच्छे तरीके से ना हम जब डिश आउट करें इसको एक स्पून फुल आपके सामने, ताकि फुल जो चीज़ है ना हमारी वो स्ट्रिंग्स के साथ निकले। एंड जब आपके गेस्ट भी आए हुए हों, जब बच्चे आते हैं ना घर पे और उनको चीज़ उनके कोई चीज़ की डिश सामने हो तो वैसे ही। मैं थोड़ा सा इसको फ्लेम साइड पे कर दूँ क्योंकि चीज़ है, चीज़ को बिल्कुल हाई फ्लेम पे कभी भी ना बनाएं, चीज़ जल जाएगी। उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ ये थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा ताकि एक ऑरेंज देख सकते हैं, बिल्कुल एक चेंज कलर आ गया है। ज़्यादा नहीं डालना, मैंने इसको एक पिंच था उसको थोड़ा सा एक टेबलस्पून पानी डाला है। ये हो गया। अब इस पॉइंट पे अप टू यू, आप और चीज़ ऐड कर दें, मैं ये स्लाइस भी डाल रहा हूँ। स्लाइस डाल दिया आपने, यहाँ पर मेरे पास सीजनिंग है और एक नो है। हमें वैसे आज सच फ्लावर की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी जो पेस्ट है, जो ग्रेवी है वो ज़्यादा रनी हो रही है तो फिर आप डाल दें, अदरवाइज़ नो नीड। इसमें मैंने डाल दिया है एक पिंच के हिसाब से यहाँ पर चिकन पाउडर। अब मैं इसमें डालूँगा मिल्क। मिल्क अगेन अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से डालें, ज़्यादा ना डालें क्योंकि अगेन वो रनी हो जाएगी। अच्छे जेंटली तरीके से आप इसको मिक्स करें। थोड़ी सी फ्लेम को मैं बढ़ा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं इतना प्यारा ऑरेंजी कलर आ रहा है एंड जो हमारी चीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट भी हो रही है। हमें इसमें मैं थोड़ी सी एक और चीज़ डालूंगा जो है सॉल्ट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि चीज़ में इटसेल्फ सॉल्ट होता है, बहुत हल्का सा। थोड़ा सा मैं डालूंगा इसके अंदर पेपरिका, एक स्मोकी सा थोड़ा सा पिंच ये हमने डाल दिया है। अब इसको पकने दें। अब मैं डालूंगा इसके अंदर हमारा पास्ता। मैं डालता हूं अपने पास्ता को अपनी सॉस के अंदर। आप लोग लीजिए एक छोटा सा ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं बना रहा हूँ यहाँ पर बेक्ड मैक एंड चीज़। मैंने यहाँ पर अपना जो पास्ता है उसमें ग्रेवी के अंदर अपने पास्ता को डाल दिया था। चीज़ हमने डाली है, फूड कलर थोड़ा सा डाला है, थोड़े से स्पाइसेस डाले हैं, पार्सले और एक नो पेपरिका, थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, ज़्यादा नहीं क्योंकि ऑब्वियसली चीज़ के अंदर वैसे ही सॉल्ट होता है तो उसको रिफ्रेन करें। एंड ये अच्छे तरीके से बाइंड हो रहा है लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा सा सॉस कम है। मैं डालूँगा दूध और क्रीम थोड़ी सी इसमें, ताकि अच्छे तरीके से ना एक हेवी अमाउंट और बड़े मज़ेदार से ये चीज़ी बने फुल। ये सारी जो चीज़ है एक्स्ट्रा है वो भी मैं डाल देता हूँ इसमें। बाकी हम रहने देते हैं ऊपर के लिए, ताकि ऊपर की जो लेयरिंग है ना वो करेंगे हम।
अच्छे तरीके से साइड स्क्रेप ऑफ करें, क्रीम एंड चीज, चीज भी मैं एक और स्लाइस डालूं, पहले एक डाला था अब एक और डाल रहा हूं। अगेन नेसेसरी नहीं है कि आप जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ वही डालें, आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं, बस इसका जो मेन पर्पज़ है सो क्रीमी बनाने का है। अच्छा सो फुल हेवी क्रीमी डिश ये बने। आराम से आप इसमें चीज़ डालें, अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। अब हमने दूध डाला है तो ऑब्वियसली हमें थोड़ी सी क्रीम भी डालनी ही है, क्योंकि दूध जो है फ़ौरन जलना शुरू हो जाता है। अब 1 टेबलस्पून मैंने क्रीम और डाल दिया है, अब बस इसको जल्दी जल्दी हम इसको थोड़ा सा सॉटे करेंगे, बाइंड करेंगे, ताकि अच्छी सी जो हमारी सॉस है वो प्रॉपर तरीके से थिक होना शुरू हो जाए, जो कि हो रही है। हम लेंगे जो डिश है हमारी जिसमें हम लोगों ने बनाना है, जिसको हम इसमें बेक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कराची से कॉल है नसरीन की, कैसी हैं आप? ठीक हो? ठीक हो था तो आपका प्रोग्राम मैं देख रही हूँ, अल्लाह का शुक्र आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। हाँ आपका शो मैं देख रही हूँ, नया शो है लग रहा तो समझ। जी जी हाँ अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा आपका शो है, ये जो आप बना रहे हैं पास्ता ये भी बहुत अच्छा है। आपकी मुझे आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। नहीं आपकी आ रही है, और देखिए आप वॉल्यूम कैसे, आप अपना प्लीज टेलीविजन बंद कर देंगी क्योंकि आवाज मुझे डबल आ रही है। थैंक यू। नहीं वॉल्यूम बंद है मेरा, वॉल्यूम बंद है। अच्छा अच्छा वॉल्यूम बंद है। जी नसरीना फरमाए, आपको कोई फरमाइश करनी है? आपकी आवाज जरा तेज। हाँ नहीं माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है, मुझे पसंद भी आ रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ और मैंने आपकी रेसिपी लिखी है। थैंक यू, कोई फरमाइश करना चाहेंगी आप? नहीं बस ये मेरे को वो ना रिंग्स होते हैं ना, जी ऑनियन रिंग्स होते हैं ना, जी जी जो कॉर्नफ्लोर के साथ बनते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कॉन्टिनेंटल डिश होती है, बिल्कुल जी वो मुझे, बिल्कुल आपकी फरमाइश नोट डाउन कर लिया। आप कोई बेकिंग के हवाले से कुछ फरमाइश करना चाहेंगी, कोई डिजर्ट्स या कोई चीज? नहीं ये मेरे को ऑनियन का ये पता है, आप माशाल्लाह सब कुछ बनाते हैं और ये मैंने दोनों डिशे लिखी हुई इंशाल्लाह बनाऊंगी। ओके बिल्कुल आपकी फरमाइश नोट डाउन कर लिए, थैंक यू सो मच। मैं अपने पास्ता को डाल रहा हूँ बेकिंग डिश के अंदर, अच्छे तरीके से स्क्रेप ऑफ कर लें, अपने फ्लेम को बंद कर दें सबसे पहले, अच्छे तरीके से इसको। अच्छा अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है चीज़, ग्रेटेड थी चीज़, आप देखिए एक रिकैप मैं डालता हूँ इस पे चीज़, वेलकम बैक। हमारा हो गया चीज़ केक रेडी, मैंने इसको रख दिया था फ्रीज़र के अंदर, बट ऑब्वियसली मैं इसको कट करके अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि इसकी जो साइज़ है अभी भी सॉफ्ट है। मेक श्योर करें कि इसको प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ करें ओवरनाइट, पहले ना निकालें। मेरा यहाँ पर हो रहा है बेक मैक एंड चीज़ ओवन के अंदर, अच्छा सा इसका क्रिस्प आ रहा है, और थोड़ा सा और आ जाए जब तक मैं करता हूँ थोड़ा सा इसको डेकोरेट, जो मैंने एक प्री मेड बनाया था सेम क्रस्ट ओवरनाइट। इसको पहले आपने क्या करना है, जो बैटर है उसको ओवरनाइट डाल के प्रॉपर तरीके से फ्रीज़ करना है, फ्रीज़। ऑलराइट यहाँ पर मेरे पास है बेबी ब्रेथ्स,
मैं लेकर आया हूँ जो बहुत ही ईजी है। आगे ऑब्वियसली मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से बनती हैं चीज़ें। स्पंज शुगर इज़ बेसिकली यू नो कैरमल को आपने प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा कूल डाउन करके उसको प्रॉपर तरीके से आपने ना उसकी स्ट्रिंग्स को निकालना है, वो अच्छी सा एक डिकोर बन जाता है ऊपर। मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा प्रॉपर तरीके से कि कैसे बनता है ये। एंड जो हमारे बेबी ब्रेड्स हैं यहाँ पर, उसको भी लगा देता हूँ अपने चीज़ केक के ऊपर ताकि अच्छा सा एक कलर आए, कलर कॉम्बिनेशन आए अच्छा सा। अब क्या करता हूँ मैं, मेरे पास है यहाँ पर व्हिप्ड क्रीम जिसकी मैं बात कर रहा था पहले कि आपने क्या करना है। अगर आपके पास क्रीम चीज़ नहीं है इट्स ओके, आपने क्या करना है, दो स्पून लेने हैं। स्पून ऑलराइट, नो वरीज। प्रॉपर तरीके से एक स्कूप बनाए इसका। एंड इसको आप जो आपने प्लेटर रखा हुआ है उसके ऊपर आराम से विद द हेल्प ऑफ योर हैंड, इट्स ओके, परफेक्ट। हाथ को मैं क्लियर अप कर लूं। एंड जो मेरे जो बेक मैक एंड चीज है वो भी हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। मैं निकालता हूं इसको, अपन मिटन्स लेम। एज यू कैन सी प्रॉपर तरीके से चीज़ जो है ना ऊज आउट हो रही है। इट्स वेरी हॉट, वेरी वेरी हॉट। ये लें, कूलिंग रैक पे रखें। अगर आपको और कलर चाहिए अच्छे तरीके का, अगर आपको और थोड़ा क्रिस्प चाहिए वो भी आप कर सकते हैं, अप टू यू एज़ वेल। प्रॉपर तरीके से आप इसको बनाएं, अपने टेबल पे ऐड करें, क्योंकि हम लोग लिटरली पुरानी चीज़ें बना बना के ना थक गए हैं। न्यू वेरिएशन लाए अपनी डिश के अंदर, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। मेक श्योर कि मुझे दीजिए फीडबैक मेरी रेसिपीज़ का। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते विद न्यू रेसिपीज़, न्यू स्टाइल्स। अल्लाह हाफिज़।